बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में रामलीला के 11वें दिन सूरपनखा का करूप होना, खरदूषण वध, सीता हरण, रावण गिद्धराज युद्ध का सुंदर मंचन किया गया। हजारों की संख्या में दर्शकों ने रामलीला के मंचन का आनंद लिया। बता दे, बबेरू कस्बे में रामलीला मैदान पर 178वां वर्ष के 17 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आज रामलीला के 11वें दिन सोमवार की रात्रि करीब 10 बजे से लीला की शुरुआत की गई, जो आज मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे तक संपन्न हुई, जिसमें सूरपनखा का करूप होना, खरदूषण वध, सीता हरण, रावण गिद्धराज युद्ध का सुंदर मंचन किया गया। इस दौरान कॉमिक कलाकार दिनेश तिवारी के द्वारा दर्शकों का समय समय पर खूब मनोरंजन किया गया। इस मौके पर राम का अभिनय रौनक दीक्षित, लक्ष्मण राघव पांडे, सीता का अभिनय रुद्र मिश्रा, रावण का अभिनय रविशंकर पांडे, सूरपनखा का बुद्धसेन अग्रहरी खर एवं गिद्धराज का दिलीप सोनी, दूषण का आदित्य सिंह गौतम, तीसरा का रंजीत यादव, कॉमिक कलाकार दिनेश तिवारी के द्वारा किया गया। इस मौके पर रामलीला समिति के प्रबंधक प्रकाश नारायण चतुर्वेदी, आचार्य दिलीप सोनी, संचालक नीरज पांडे, राम नरेश मिश्रा, राजा मिश्रा, मुन्ना गुप्ता सहित हजारों की संख्या में लोगों ने रामलीला के मंचन का आनंद लिया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से रामलीला मैदान पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, 178 वर्ष से अनवरत चल रही इस रामलीला जो संत वीरदास बाबा की अनुकंपा से चलती है, आज उसी रामलीला के क्रम में सीता हरण की रामलीला हुई, जिसमें स्थानीय कलाकार रहे। राम का रोल रौनक दीक्षित, लक्ष्मण का रोल राघव पांडे और सीता का रोल रुद्र मिश्रा ने किया। रावण के रूप में रविशंकर पांडे, खर के रूप में दिलीप कुमार सोनी और भूषण के रूप में नाती राजा सिंह, तीसरा के रूप में रंजीत यादव और जटायु के रूप में पुनः दिलीप सोनी ने अभिनय किया। यहाँ पर सभी स्थानीय कलाकार होते, चाहे रामायणाचार्य हो, चाहे कथा व्यास हो, चाहे पात्र हो, सभी स्थानीय होते। कितनी संख्या में लोग रहे? लगभग 1000 की संख्या दर्शकों की रही है। और आज की लीला कौन कौन सी संपन्न हुई है? आज रामलीला में पहला क्रम सूरपनखा का कुरूप होना, खरदूषण तीसरा का वध, इसके बाद सीता हरण और अब अंतिम क्रम में जटायु और रावण का युद्ध होगा। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार सोनी है, मैं रामलीला का आचार्य हूँ।